पशुपालन विभाग के पशुधन सहायक संवर्ग के कर्मचारियों का क्रमिक अनशन पांचवें दिन भी जारी रहा। एक आम पशुधन सहायक संवर्ग राजस्थान के बैनर तले प्रदर्शन हो रहा है। 22 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर क्रमिक अनशन किया जा रहा है। पांचवें दिन दौसा जिले के कर्मचारी क्रमिक अनशन पर रहे। पशुधन सहायकों ने कहा कि राज्य सरकार यदि जल्द ही कर्मचारियों की लंबित मांगों पर समाधान नहीं करती तो आक्रोशित पशुधन सहायक विभागीय योजनाओं को ठप्प करेंगे, जिससे संपूर्ण पशु चिकित्सा का कार्य प्रभावित होगा। एक आम पशुधन सहायक सवर्ग राजस्थान के कैडर तले दिनांक 3 जनवरी 2023 से पशुधन सहायकों की 22 सूत्री मांगों को लेकर चले आ रहे अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन के पांचवें दिन दौसा जिले से करीब 100 LSA इस धरने में उपस्थित हुए तथा सभी की सहमति ये रही कि जब तक हमारी वाजिब मांगे पूरी नहीं हो की जाती है तब तक हम इस धरने पर बैठे रहेंगे। हमारी मुख्य मांग पदनाम परिवर्तन, ग्रेड पे आयुर्वेद कंपाउंडर के बराबर, पशुधन सेवा केंद्र के LSA को नियमित करने व LSA की नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी करवाना है।